एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फूड क्रेविंग्स विद साधिका। मैं ना आपको यहाँ पे जोमेटो से ऑर्डर करके ना रिव्यूज बताऊंगी। मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल यू। और दिल्ली में जितने भी जोमेटो में अवेलेबल रेस्टोरेंट्स हैं, जहां पर हमें मन करता है यार हम ऑर्डर करें और खाएं, लेकिन कई बार क्या होता है कि हम जो ऑर्डर करते हैं वैसा नहीं निकलता, हमें लगता है मनी वेस्ट। तो ना मुझे ना खाने का बहुत शौक है, तो मैं ना आए दिन ना ऑर्डर करती रहती हूँ। तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, क्यों ना मैं अपने यूट्यूब चैनल में जो मैं ऑर्डर करती हूँ उसके रिव्यूज डालूं, ताकि दूसरों को हेल्प हो सके। कई बार ना मेरा खुद का मतलब पैसा वेस्ट लगता है मुझे। कई चीजें मैंने ऐसी ऑर्डर कर रखी है कई रेस्टोरेंट से, उनको एक्सप्लोर करने के लिए, कि जब वो आता है ना तो मुझे खुद ही नहीं अच्छा लगता। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अगर दूसरों की हेल्प कर सकती हूं तो करूं, मैं खुद ऑर्डर करूं और उसके बाद रिव्यूज बताऊं कि एक्चुअल में आपको ये ऑर्डर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो गाइस, आज मैं सबसे पहले आपके लिए लेकर आई हूं, मेरे को बहुत तेज भूख लग रही थी, मेरा पाव भाजी खाने का मन कर रहा था, मैं लेकर आई हूं आपके लिए पाव भाजी और वड़ा पाव। तो मैंने आज पाव भाजी ऑर्डर करी है फिंगर लिकर्स बॉम्बे वाला, और अब मैं उसका वेट कर रही हूं। ये शालीमार बाग में है, दिल्ली में शालीमार बाग है, वहां पर है। मेरे घर से एटलीस्ट 35 मिनट्स दूर है। मैंने जोमेटो से ऑर्डर किया था, मुझे एक तड़का पाव भाजी और वड़ा पाव पड़ा 211 रुपीज का। मुझे इसलिए थोड़ा सा कम पड़ा बिकॉज मैंने ना जोमेटो का गोल्ड ले रखा है, बिकॉज मैं बहुत ऑर्डर करती हूँ। मैंने आपको बताया मुझे खाने का बहुत शौक है, मेरे तो अभी से मुंह में पानी आ रहा है कि वो कैसी होगी। मैंने ना अर्जुन पाव भाजी मॉडल टाउन, मतलब मोस्टली पाव भाजी ट्राई कर रखी है जहां जहां की फेमस है। मैं फिंगर्स लिकर्स की पहली बार ट्राई कर रही हूं, आपको भी बताऊंगी कि कैसी है, मैं वेट कर रही हूं। चलो जैसी आएगी वैसे ही मैं शूट करूंगी और आपके सामने टेस्ट करूंगी और एक्चुअल रिव्यूज दूंगी कि आपको ऑर्डर करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। बिकॉज ये लोग ना जोमेटो में 40% ऑफ भी देते हैं। हम क्या करते हैं, सबसे पहले जोमेटो में देखते हैं ना यार कौन सा सस्ता है, वहां से मंगाएंगे। मैं तो सबसे पहले ये देखती हूँ, फिर हम रेटिंग देखते हैं कि अगर ये सस्ता है तो इसकी रेटिंग कितनी है। तो इसकी रेटिंग मुझे 4.1 दिख रही थी, इसकी रेटिंग 4.1 है। अब देखते हैं वो पाव भाजी कैसी होगी। सो गाइस, मेरी पाव भाजी आ चुकी है। मैंने एक्स्ट्रा पाव भी मंगवाया था, 15 रुपीज का एक्स्ट्रा पाव था। ओ माई गॉड, दिस इज ओनली 4 रुपीज 15। 45 रुपीज का पूरा पाव का पैकेट ले सकते हो, उसको फ्राई करके खा सकते हो। और सबसे बड़ी बात, ये विदाउट मसाला है, इसमें कोई मसाला भी नहीं है कि मसाला पाव। और ऐसा होगा कि मतलब मैंने जिस हिसाब से ऑर्डर किया है, मैंने तड़का पाव जी ऑर्डर करी है, बट मुझे लगा था 2 पीस होंगे। चलो देखते हैं आगे। इन्होंने साथ में ग्रीन चटनीज दी है, थैंक गॉड, अनियन और नींबू भी दिया है, भाजी है। चलो ट्राई करते हैं, मैं सर्व करके आती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ ये कैसी है, उसके बाद वड़ा पाव दिखाऊंगी। सो गाइज, ये है पाव भाजी, आप देख सकते हो, लग तो बहुत डिलीशियस ही है, लेकिन ये जो पाव है ये कितने मतलब सूखे सूखे से लग रहे हैं। इस तो ये है मेरी पाव भाजी, आप सब्जी देख सकते हो है। अब ये ऑयल है कि आई डोंट नो, तो टेस्ट करने के बाद ही पता चलेगा। मुझे बहुत ज्यादा क्रेविंग हो रही है, ये नींबू है। मुझे ये वाली चटनी वैसे पाव भाजी के साथ नहीं पसंद, जो इन्होंने ये ग्रीन चटनी दी है आप देख सकते हो, ये मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। मुझे ही खाना है तो मैं ऐसे मिक्स कर सकती हूँ। मुझे ये पाव भी नहीं पसंद, मुझे ना ये सूखे सूखे पाव पाव भाजी के साथ नहीं पसंद। इवन घर पे भी बनाते हैं ना तो मैं उसमें भी मसाला लगाती हूँ। टेस्ट करते हैं कैसी है। नाइस। एक बाइट से तो पता नहीं चलेगा।
जो भाजी है ना इतनी स्पाइसी और इतनी चटपटी नहीं है, बट हाँ अकॉर्डिंग टू प्राइस और अकॉर्डिंग टू रेटिंग बेस्ट है। पाव मुझे थोड़े वैसे लगे, सूखे सूखे से, लेकिन अभी तक मुझे पाव भाजी जो है अच्छी लगी। मैं इसको रेटिंग दूंगी 10 out of 7, ज्यादा कुछ नहीं, 10 out of 7। अब मैं आपको दिखाती हूं बॉम्बे वड़ा पाव। इनका मैंने बॉम्बे वड़ा पाव भी ऑर्डर करा है, वो कैसा है गाइस। तो ये है बॉम्बे वड़ा पाव, आप देख सकते हो वो ये पाव है, बाहर सूखा पाव है, सूखा अंदर ये वड़ा है। इस पाव में भी कुछ स्पाइसेस वगैरह कुछ नहीं डाले, कोई मसाला वगैरह कुछ नहीं डाल रखा। ये हरी मिर्च हरी मिर्च है। ये आया था 90 rupees कुछ का, ठीक है, 2 pieces है। इसके साथ इन लोगों ने ये रेड चटनी भी दे रखी है। ट्राई करते हैं कैसा है ये। मुझे बड़ा पाव ऐसे पता है बहुत पसंद है, सबसे सस्ता और पेट भरने वाला जुगाड़। ये अच्छा है। मुझे पाव भाजी से अच्छा वड़ा पाव लगा। क्रिस्पी नहीं है टू बी वेरी ऑनेस्ट, लेकिन सॉफ्ट है। चटनी भी अच्छी है इसकी, रेड वाली। तो गाइस मैंने ये ऑर्डर करा है फिंगर लिकर्स बॉम्बे वाला से। इसकी रेटिंग है 4.1, काफी अच्छा है। 40% डिस्काउंट में आपको मिलेगा। मेरे पास गोल्ड था तो मेरे को थोड़ा सा और सस्ता पड़ा, मुझे जो डिलीवरी चार्जेस थे वो नहीं देने पड़े, 40% ऑफ भी मिल गया। और आपको बता दूं मसाला वड़ा पाव 98 rupees का था और तड़का पाव भाजी 145 की थी, तो मुझे टोटल 211 rupees का पड़ा। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जोमेटो लिंक भी भेज दूंगी, मेंशन करूंगी इसका, और साथ ही साथ जाने का लिंक भी मेंशन करूंगी, आप जाकर भी ट्राई कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है जब हम जाकर खाते हैं ना तो हमें और टेस्टी आता है, और टेस्टी लगता है। तो मतलब 90% अगर मुझे यहां पर अच्छा लगा तो 10% आपके वहां जाकर बढ़ जाएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी गाइज, प्लीज सपोर्ट करना। और व्हाट आई ईट इन अ डे भी मेरा शॉर्ट वीडियो है, शॉर्ट्स में जाकर वो भी देखना। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।